तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मंडे नाइट रॉ से। तो शो की स्टार्टिंग काफी यूनिक तरीके से हुई, जब हमने कोई सेगमेंट नहीं देखा था, बल्कि ओपनर, मतलब ओपनर क्या बोलेंगे, ऐसे जैसे ही मंडे नाइट रॉ आती है ऑन एयर, हमको सेथ रॉलिंस एंड रिडल की ब्रॉल देखने को मिलती है, जो कि शुरू होती है कहाँ से खत्म होती है, कहाँ पे जाके लड़ रहे हैं ऊपर बैरिकेड के थ्रू, सिक्योरिटी वगैरह आ रहे हैं, रिडल ने एक पूरी छलांग भी लगाई थी सारे लोगों के ऊपर। मतलब ऐसा आज कोई खास हमने दोनों के बीच में कोई ये नहीं देखा कि दोनों के बीच बातें हो रही हैं फिर ऐसा कुछ, लेकिन WWE ने सिर्फ दोनों का अग्रेशन दिखाने की कोशिश करी है। और क्लैश एट द कैसल में मैच ऑफिशियल है तो भाई तुमको गर्मा गर्मी तो डालनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में WWE ने चीज़ डाल दी और नेक्स्ट वीक के लिए उन्होंने ये भी कह दिया कि हाँ ये दोनों सुपरस्टार जो है फेस टू फेस आएंगे। तो आज के लिए दोनों के बीच घमासान, अब देखते हैं नेक्स्ट वीक जब फेस टू फेस आएंगे तो सीन क्या होता है। लेकिन जो शो की एक्चुअल ओपनिंग थी वो हमको देखने को मिलती है ट्रिश स्ट्रैटस के साथ में, क्योंकि आज रॉ है वो हो रही थी कनाडा से, तो फिर ऐसे में ट्रिश स्ट्रैटस का यहाँ पे आना तो बनता ही था। ट्रिश स्ट्रैटस यहाँ पे आके कहते हैं कि उनको दोबारा से रिंग में आके अच्छा लग रहा है, दोबारा से अपने घर में वापस आकर अच्छा लग रहा है, और वो ये कहते हैं कि मैं कनाडा के अंदर हूँ, सिर्फ इसलिए बात नहीं बोल रही बल्कि इन रिंग के बीच में आना ही अपने आप में एक बहुत ही अलग फीलिंग होती है, जिस पर क्राउड चैंट कर रहा होता है कि एक और मैच रसल करने के लिए, वन मोर मैच करके उन्होंने ऐसा कुछ चैंट किया था। हालांकि यहाँ पर जो डैमेज कंट्रोल फैक्शन है स्टिल, अभी जब वो आ रहे थे तो MS सोचा था कि एंट्रेंस पर शायद उनका नाम दिखाया जाएगा ग्राफिक पर, लेकिन ये था नहीं, अभी भी बेली विद डेकोटा काय एंड ईयो स्काई ऐसी करके WWE लिख रही थी। और यहाँ पे आकर वो कहते हैं कि हाँ तुम्हारे बिना कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसे नहीं होता। पहले तो उन्होंने ट्रिश स्ट्रैटस को खूब झाड़ के पेड़ पे चढ़ा दिया, चने के पेड़ पे जो भी उसको बोलते हैं, पहले उनको बहुत ऊंचा हवाई हवाई बात उड़ा दी, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है अपना भाई हील टैक्टिक यूज़ किया, हील वर्क करना शुरू किया। बेली कहती है अब तुमसे कुछ नहीं होगा, अब तुम्हारे बस की ऐसे कुछ नहीं है, वैसे कुछ नहीं है, तुमको कोई पसंद नहीं करता, डेकोटा काई तुमको पसंद नहीं करती, स्काई पसंद नहीं करती, मैं पसंद नहीं करती, हमें से कोई पसंद नहीं करता, ऐसे ऐसे करके उन्होंने जो बातें करने शुरू कर दी। और इस पर फिर थोड़ा गुस्सा भी आया था ट्रिश स्ट्रैटस को। हमने यहाँ पे देखा कि बियांका ब्लेयर भी आ जाती हैं, सारे के सारे जो सुपरस्टार्स हैं, एलेक्सा ब्लिस आ गई, आस्का आ गई, तो यहाँ पे पहले तो वो सोची होती कि 3-on-2 सिचुएशन है, लेकिन फिर चार बंदियाँ आ गई। ट्रिश स्ट्रैटस ने इवन अपनी जो जैकेट है उसको भी खोल लिया था लड़ने के लिए, बट अभी मैच जो है इनके बीच नहीं होना था। मैच हमको देखने को मिलता है ईयो स्काई एंड डेकोटा काई वर्सेस एलेक्सा ब्लिस एंड आस्का, दोनों जैपनीज रेसलर्स एक दूसरे के अगेंस्ट, वो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। और बेसिकली मैच था जो विमेंस का टूर्नामेंट चल रहा है उसके अंदर ये मैच था, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था इस मैच में देखने के लिए कि मैच में जो विनर है वो कौन होता है, क्योंकि अगर हम डैमेज कंट्रोल फैक्शन की बात करें तो भाई उनको भी तुम वीक नहीं दिखा सकते, और आस्का एलेक्सा ब्लिस का भी सीन है, तो बड़ा सही खेल खेला है यहाँ पर क्रिएटिवली अगर मैं देखूँ। पिन तो हुई यहाँ पे टीम आस्का एंड एलेक्सा ब्लिस की, लेकिन डेकोटा काई ने टैप आउट कर दिया था, तो ये थोड़ा सा मिक्स बुकिंग हो गई कि जीती भले ही यहाँ पर डेकोटा काई एंड ईओस्काई की टीम, लेकिन डेकोटा काई ने टैप आउट जरूर कर दिया था, लेकिन उन्होंने टैप आउट करवाया जो लीगल उस समय सुपरस्टार नहीं था रिंग के अंदर, इस वजह से जो है मैच में विनर नहीं बनती है वो उनकी टीम, तो इस तरीके से जो है उन्होंने एडवांस कर लिया है। काफ़ी ज़्यादा WWE ने इस ओपनिंग सेगमेंट को स्ट्रेच किया, मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं थी ये मुझे लगता है। इसके बाद गाइस हमको जो नेक्स्ट चीज़ देखने को मिलती है शो के ऊपर वो थी जिगलर एंड फिन बैलर का मैच, जो कि बैक स्टेज बातों के साथ शुरू होता है। अब सीन यहाँ पे क्या था कि जो बैक स्टेज एंट्रेंस देगी फिन बैलर की वो काफ़ी अच्छी लग रही थी, काफ़ी यूनिक लग रही थी, काफ़ी नए तरीके से उसको दिखाया गया है। वो थोड़ा सा वो जो क्राउड का रिएक्शन लेने के लिए हाथ में हैंड रेज करते हैं, उसके बाद वो लाइट एकदम से ब्लिंक होती है, वो मतलब ग्राफिक वाइज भी काफ़ी अच्छा था, तो नई फील देनी जजमेंट डे के साथ में, तो WWE ने उस काम को किया। और जिगलर बैलर भाई का कमाल का मैच इन्होंने डिलीवर किया, मज़ा आया इसको देख के, पूरा एंटरटेनिंग ये मैच था। रिया रिपले ने यहाँ पर बीच में जो है इंटरफेयर किया, उसकी वजह से 1960 पहले उन्होंने लगाया, उसके बाद कूडेग्राफ फिनिशर लगा के इस मैच में विक्ट्री मिल गई फिन बैलर को। ऑब्वियसली बात है जिगलर ने यहाँ पर एक चीज़ टीज भी करी थी, उसके बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन नेक्स्ट मैच होता है अल्फा अकेडमी का ओपन चैलेंज, किसी को भी वो बुला रहे थे, और आज जो केविन ओवंस हमको दिखे इस ओपन चैलेंज को आंसर करते हुए, ये एग्जैक्टली वही केविन ओवंस है जो कि NXT के टाइम पर था, क्योंकि टाइटन ट्रॉन भी वो NXT वाला लेकर आ गए हैं, वो जिसमें केविन ओवंस के अंदर लड़ने की रेसलिंग की भूख है, बिल्कुल वही इंटेंसिटी आज हमको दिखती है। और चैड गेबल को उन्होंने ना सिर्फ इस मैच में हराया बल्कि उन्होंने पॉप अप पावर बॉम्ब के साथ इस मैच को हरा रहे, क्योंकि रिसेंटली हम देख रहे हैं स्टनर मूव का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अपना फिनिशर के तौर पर, पॉप अप पावर बॉम्ब से ज़्यादा वो उसको प्रायोरिटी दे रहे थे, लेकिन अब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। मैच के बाद ओटिस ने अटैक करने की कोशिश करी बट उनका भी बहुत उतार दिया उन्होंने, क्योंकि एंड में हम लोगों ने देखा स्टनर लगाया उन्होंने ओटिस के ऊपर, क्योंकि शायद पॉप अप पावर बॉम्ब देने की कमर का भी ध्यान रखना पड़ता है ना थोड़ा सा, तो उन्होंने स्टनर लगाया और उसके बाद जो है पावर बॉम्ब देके पटक दिया गेबल को ओटिस के ऊपर, और पूरा धूमधड़ाका तहस नहस सब कुछ करके केविन ओवंस चले गया। तो ये वो फाइटर है, ये वो प्राइज फाइटर है जिसको हम मिस कर रहे थे, और मज़ा आने वाला केविन ओवंस की बुकिंग में देखने में। डेफिनेटली ट्रिपल एच के आने से कुछ और बदले या फिर ना बदले, केविन ओवंस को देखने में जरूर मजा आने वाला है। इसके बाद हमको आलिया और बेली का भी मैच देखने को मिलता है, बेली की लड़ने की बातें हो रही थी, क्योंकि बैक स्ट्रेटस ने कहा कि तू लड़ेगी नहीं ऐसे वैसे करके कुछ, तो बेली
ने जो है मैच के लिए एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद ये मैच हो गया एंड ऑब्वियसली बात है रिजल्ट यहाँ पर बेली के पक्ष में निकला जब उन्होंने रोज प्लांट लगा के इस मैच में विक्ट्री ले ली। इसके बाद हमको चांपा एंड द मेज वर्सेस लैशली एंड एजे स्टाइल्स का टैग टीम मैच देखने को मिलता है। अब ये जो ऐसे मैचेस होते हैं ना ये यूनिक टीम्स बनाने वाले ये एनएक्सटी में आप लोग बहुत देखते होंगे क्योंकि अब ट्रिपल एच कंट्रोल में आ गए तो फिर ऐसे मैचेस आपको मेन रोस्टर के भी ऊपर देखने को मिल रहे हैं थोड़ी यूनिक टीम्स के साथ में। तो लैशली एजे स्टाइल्स मैच में डोमिनेट कर रहे थे बट इस मैच में मैच के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं था, फोकस था एजे स्टाइल्स जब बैरिकेड पर जाते हैं तो उनको एक बंदा पीछे से खींचने की कोशिश कर रहा है जो कि पहले नज़र में तो देखने को लगेगा कि डेक्स्टर लूमिस है लेकिन एक्चुअल में डेक्स्टर लूमिस वहाँ पे थे नहीं, मिज को खींच के चले गए डेक्स्टर लूमिस। और ये कुछ कुछ पता कैसा लगा जैसे केन रिंग फाड़ के नहीं खींच देते किसी बंदे को नीचे तो वैसे यहाँ पर सेम फीलिंग आई। अब भाई मैच से डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो गया तो मासू चांपा बचते हैं भाई और उनके साथ जो है ज्यादती हो गई काफी ज्यादा क्योंकि उनको स्पीयर जो मारा खिंचा के भाई बिल्कुल टेढ़ा ही कर दिया उनको उल्टे ही हो गए। पर एंड में जो है बॉबी लैशली और एजे स्टाइल्स सेलिब्रेट करते हैं। इनकी टीम देख के भी वैसे काफी मजा आ रहा और अच्छी लगी टीम देखने में। नेक्स्ट हमको जॉनी गार्गानो देखने को मिलते हैं और भाई साहब क्या पॉप मिली है यार जॉनी गार्गानो को, मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी ज्यादा पॉप मिलेगी क्योंकि जॉनी गार्गानो मेन रोस्टर के ऊपर अभी इतना ज्यादा कमाल करके आए हैं, नहीं मेन रोस्टर के ऊपर कमाल किया नहीं एनएक्सटी में जरूर किया है और आज जब वो आते हैं तो क्राउड उनको बहुत अच्छी तरीके से रिसीव कर रहा है। एक ये भी बात है कि जो क्राउड है वो जॉनी गार्गानो काफी पसंद करता है तो उनके लिए बिल्कुल रिएक्शन काफी अल्टीमेट वाला था, किसी एक बिल्कुल लेजेंड वाला रिएक्शन मिल रहा था जॉनी गार्गानो को क्योंकि कितना ही बोलो भाई कितने फैन फेवरेट हो देख के काफी सरप्राइजिंग सा लगता है। तो जॉनी गार्गानो यही कहते हैं कि वो वापस आ गए हैं एनएक्सटी के टाइम पे, ऐसा था एनएक्सटी अगर तुम नहीं जानते तो मैं एनएक्सटी के अंदर चैंपियन रह चुका हूँ, टैग टीम चैंपियनशिप, ट्रिपल क्राउन चैंपियन, उन्होंने अपनी जो है सारे खिताब जो गिनाए। उसके बाद कहते हैं उनको यूएस चैंपियनशिप जीतने का ड्रीम है, आईसी चैंपियनशिप जीतने का ड्रीम है, डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप जीतने का ड्रीम है, फिर वो कहते हैं उनका बच्चा हुआ उन्होंने डायपर्स वगैरह बदले, सारी बातें हो रही हैं लेकिन यहाँ पर आकर उनको इंटरप्ट कौन करता है, ऑस्टिन थ्योरी जिसको पहले जानते होंगे लेकिन अब उनका नाम है थ्योरी, आपने एनएक्सटी के रन में देखा होगा ये काफी फनी लगते थे साथ में। तो थ्योरी कहते हैं अच्छा तो वापस आ गया चलो ठीक है, पहले तो अच्छी अच्छी बातें हो रही है लेकिन फिर थ्योरी अपने जो असली रंग है वो दिखाना शुरू करते हैं। वो कहते हैं अच्छा तू यहाँ पर ड्रीम देख रहा था ना इन चीज़ों को करने के, जब तक तू गया ना तब तक देख मैं क्या क्या कर चुका, मैं यूएस चैंपियनशिप जीत गया हूँ, मेरे पास महिंद्रा बैंक का ब्रीफ केस और कुछ टाइम में मैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाऊंगा, अब मैं तेरे से ना ज्यादा दिग्गज खिलाड़ी हो चुका हूँ और तू मेरे सामने एक रूकी है। बट फिर वो कहते हैं कि चल कोई बात नहीं यार हम पुराने टाइम के की खातिर जरा अपना वो हाई फाइव वाला सीन कर लेते हैं। हाई फाइव के लिए थ्योरी ने ऐसे हाथ रखा हुआ था लेकिन उधर से आ गई सुपर किक और जो है वो फ्लैट हो जाते हैं, इस पर भी काफी तगड़ा पॉप मिला था। ये भी काफी इंटरेस्टिंग सेगमेंट था, मजा आया इसको देख के काफी। थ्योरी एंटरटेनिंग प्रोडक्ट है भाई बहुत ज्यादा, तुम मानो या फिर ना मानो, मैं आप में से देख रहा था कल बहुत सारे लोग कहते हैं कि थ्योरी में ऐसा क्या खास है लेकिन वो किसी एक सुपरस्टार को एलिवेट करने में मदद कर सकते हैं, इवन खुद अभी उनको एलिवेट होने की जरूरत है लेकिन समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये सेगमेंट मुझे काफी पसंद आया और शो के मेन इवेंट के अंदर तो कुछ अल्टीमेट चीजें WWE ने डाली हुई थी, डेमियन प्रीस्ट वर्सेस एज का मैच। सो ऑब्वियसली रेसलिंग वाइज मैच काफी अच्छा था, इसको काफी अच्छा टाइम भी दिया गया, ये मुझे अच्छी बात लगी कि ऐसा नहीं था कि ये वीकली शो के ऊपर है तो इसको ऐसे ही लटका देंगे। काफी सारे तगड़े तगड़े मूव्स हमने देखे जैसे वो क्रूसिफिक्स पावर बॉम्ब जो लगाया भाई प्रीस्ट ने एज के ऊपर, वैसे लग रहा मुझे तो लग रहा था भाई अभी मैच तो शुरू हुआ है अभी से तुमने क्या फोड़ दिया एज को, अभी क्या आगे कंटिन्यू करेंगे। इंपेलर DDTM को देखने को मिल रही है, एज की तरफ से स्पीयर की कोशिशें हो रही है लेकिन एंड में क्या सीन बनता है जब हमने देखा कि रेफरी वो जो जब सबमिशन मूव लगाया था उन्होंने और धक्का पड़ने की वजह से रेफरी बाहर गिर गया तो इसका फायदा उठाते हैं डेमियन प्रीस्ट। वो क्या करते हैं वो जो चटनी बनाना होता है ना चेयर के बीच में कौन चेयर उसको करने की कोशिश करते हैं लेकिन एज वहाँ से चले जाते हैं लेकिन उन्होंने वो स्टिक निकाल ली स्टील चेयर की जिससे कि वो क्रॉस फेस में फंसाते हैं तो उन्होंने वो लगाया, हालांकि रेफरी देख नहीं रहा था तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन होता नहीं है लेकिन बाद में जब स्पीयर लगाने वाले होते हैं तो डेमियन प्रीस्ट ने उसी से उनके मुंह पर अटैक कर दिया जिस पर उन्होंने पिनफॉल करने की कोशिश करी और मुझे लगा खत्म हो गया मैच, एज जो है अपने ही घर में हार चुके हैं लेकिन एज ने वहाँ पर किकआउट किया और उसके बाद एज की तरफ से हमको स्पीयर देखने को मिलता है। पहले तो उन्होंने कैनेडियन डिस्ट्रॉयर लगाया जो काफ़ी इंप्रेसिव था और इस तरीके से मैच में जो है एज को विक्ट्री मिल गई बट उसके बाद वो कॉन्चेटो के लिए जा रहे होते हैं लेकिन रियल रिपोर्ट ने आकर पीछे से उनको लोब्लो लगाया और फिन बैलर ने भी आकर जो है तोड़ा फोड़ी कर दी पूरी अच्छी तरीके से लेकिन रिंग साइड पर बेथ फिनिक्स बैठी हुई होती हैं और जब चेयर से चटनी बनाने की बारी पे जा रहे होते हैं जजमेंट डे एज के लिए तो तब बेथ फिनिक्स वहाँ पर आ जाती हैं और रियल रिप्ली और बेथ फिनिक्स के बीच हमको एक तगड़ा वाला स्टेयर डाउन भी देखने को मिलता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी और आगे जाकर शायद किसी और चीज़ की तरफ लीड कर सकती है। ओवरऑल बहुत मज़ेदार थी आज की मंडे नाइट रॉ, ऊपर से लेके नीचे तक काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग स्टफ था, मैं लिटरली एक भी चीज़ नहीं काउंट कर सकता आज रॉ से जो कि मुझे लगा कि ये तुम क्या दिखा रहे हो एक्सेप्ट वो शुरुआत में जो विमेंस डिवीजन वाली चीज़ को स्ट्रेच कर दिया और उसके अलावा मुझे कुछ लगा नहीं। लेकिन गाइस रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद एज ने एक प्रोमो कट किया जहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर अगस्त में 2023 में वो अपना आखिरी मैच लड़ना चाहेंगे टोरंटो कनाडा में। तो यहाँ से उन्होंने अपनी रिटायरमेंट को लेकर अब ऐसी चीज़ें बता दी और
इंटरनेट इसके बाद ऑफिस जाने के बाद भी एक्सप्लोड हुआ कि अचानक से ये क्या अनाउंसमेंट कर दी है एज ने कि वो जो है रिटायर होने जा रहे हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं कि अगर एज ही सही बातें बोल रहे हैं तो उनका सिर्फ एक साल है, 12 महीने बचे हैं आज के रिटायरमेंट को, और उन्होंने कहा कि नेक्स्ट ईयर वो यहाँ पर रिटायर हो जाएंगे। काफी शॉकिंग सरप्राइज है मेरे लिए कि एज ने अचानक से ऐसी अनाउंसमेंट कैसे कर दी। वैसे आज की मंडे नाइट रॉ के बारे में आपको और स्टैट बताता हूँ कि इस साल का सबसे ज्यादा क्राउड आज की मंडे नाइट रॉ के ऊपर आया था जो कि है 14,000 से ज्यादा का। ऑलमोस्ट जो एरेना है वो पूरी सोल्ड आउट थी, तो इसलिए आज जो एनर्जी वो भी क्राउड के अंदर हमको काफी तगड़ी वाली देखने को मिल रही थी। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ जो कि क्या एक कंफर्मेशन हो चुकी है ब्रे वायट की तरफ से कि वो जो है WWE के अंदर आ रहे हैं। तो रेसलिंग इज नॉट अ लव स्टोरी वाला एक जो ट्वीट था उसको जब आड़ा तेड़ा करके एक फैन ने डालने की कोशिश करी, आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो, वो कहना चाह रही है यहाँ पर कोई लड़की है शायद ये WWE करके उसने बनाया हुआ है कि आप पहला वाला फोटो देखो तो W बन रहा है, दूसरे में W, तीसरे में E। तो आपको पता है फैंस ऐसी थ्योरीज बनाते रहते हैं जिसके ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी ये बकवास वाहियात लगती है, लेकिन ये वाहियात तब नहीं हो जाती जब ब्रे वायट ने खुद इसको लाइक कर दिया। मतलब यहाँ पर ये जो फैन है वो खुद कह रही है कि अगर तुम इस पूरी फोटोज को मिला के देखो तो WWE बन रहा है, और इसको लाइक किया है ब्रे वायट ने। तो मतलब इससे आप क्या मान सकते हो कि ब्रे वायट क्या खुद कहना चाह रहे हैं कि हाँ तुमने जो मैं चीज़ कहना चाहता था उसको डिकोड कर दिया और तुमने डिकोड कर दिया तो लो मेरी तरफ से लाइक ले लो और अब मेरा जो है रिटर्न हो रहा है। वैसे भी मैं आपको रूमर्स बता चुका हूँ क्लैश एट द कैसल में ब्रे वायट के आने के कितने ज़्यादा, और इसके बाद ये काफ़ी मुझे चलिए WWE वाला खुद एक फैन ने बनाया होता कोई बात नहीं, लेकिन इस पर ब्रे वायट का लाइक करना ये इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी। तो आपके इसके ऊपर क्या थॉट्स है मुझे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। लेकिन आज की जो वीडियो थी ये देखी थी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।